लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
Hi. Congratulations. For what? You're the lucky winner of our Beauty on the Road contest. और आपको हमारी कंपनी की तरफ से मिलता है one night stay in Goa. One night stay in Goa and dinner and cocktail with a great personality. अच्छा? कौन है वो great personality? Me, of course. और आज रात को आपको मेरी कंपनी की तरफ से मिलेगी मेरी कंपनी. और यकीन मानो, तुम नहीं चाहोगी कि रात खत्म हो. चलें, long drive पर. अभी तो मैं हॉलीवुड कैसीनो जा रही हूँ. Wow, what a coincidence! मैं भी वहीं जा रहा था. यू टर्न लेकर. By the way, जिस कंपनी ने मुझे सिलेक्ट किया है, क्या मैं उसका नाम जान सकती हूँ? उस ग्रेट कंपनी का नाम है रॉकी 9820420420. अच्छा, यानी दो बार 420. डबल मजा. और आप? सिमरन. सिमरन, वाह, क्या नाम है. पहली बार इतना सेक्सी नाम सुना है. आपके डैडी टेररिस्ट हैं? क्या? वरना ऐसा सेक्स बॉम्ब और कौन बना सकता है? कहो सिमरन, कहाँ से शुरू करें? What? बार से या कैसीनो से? Sorry, मैं यहाँ ना तो ड्रिंक्स ले सकती हूँ और ना ही गैम्बलिंग कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि I'm not allowed to do so. मैंने कल ही ज्वाइन किया है. I'm a dancer. Great. तो हम ड्यूटी आज के बाद मिलेंगे. लेकिन मेरी ड्यूटी तो रात को 3 बजे खत्म होती है. मेरा दिन भी रात को 3 बजे ही शुरू होता है. मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा. Never take him seriously. Bye. Congratulations. You're the lucky winner of a Beauty on the Road contest. Rosie. Rocky, तो मुझे कितनी बार अपनी लकी विनर बनाओगे? ये फूल किसी और को देना. अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ थे इतने दिन? वेकेशन मना रहा था. वेकेशन मनवा रहा था. वो छोड़ो, सोनिया मैडम कैसी है? एक्चुअली जब से वो हादसा हुआ है वो बहुत अपसेट रहती हैं. रॉकी किसी खूबसूरत औरत को अपसेट नहीं देख सकता. लोबो, गेट खोलो. फिर आ गया रॉकी रोमियो. लोबो, मिस्टर लोबो. क्या काम है? बाद में आना. आई एम वेरी बिजी. तुमसे मिलना भी किसको है? रॉकी के पास मर्दों के लिए वक्त नहीं है. तुम्हारी मैडम से मिलना है. वैगेबॉन. दिस इज ब्यूटीफुल. हाउ आर यू? अरे रॉकी डियर, तुम कभी आया? तुम इस दुनिया में आया उसके 20 साल बाद आया. लाओ, आओ, गो इनसाइड. मिस्टर लोबो, रॉकी 60 के मॉडल वाली गाड़ी नहीं चलाता. गाड़ी पुरानी है लेकिन इंजन आज भी नया जैसा है. एक टाइम पिकअप देता है ना तो ये ड्राइवर भी कंट्रोल नहीं कर सकता. अंडरस्टैंड? मिस्टर लोबो, मैडम उठ गई? अरे वो सोटी कहाँ है? जब से वो हादसा हुआ उसे नींद ही नहीं आती है. हाँ, स्लीपिंग टेबलेट लेती है और थोड़ा टाइम के लिए आंख बंद कर लेती है लेकिन नींद नहीं आती. तो अभी वो कहाँ है? ऊपर लॉयर के साथ डिस्कशन हो रहा है. ठीक है, तो मैं इंतजार करता हूँ. तो मिस्टर दीक्षित, सारे पॉइंट्स क्लियर है ना? एनी कंफ्यूजन? नो मैडम, जैसा आपने कहा वैसा हो जाएगा. लेकिन यू अचानक ये चेंजेस, कोई खास वजह? कुछ पर्सनल बातें हैं, फिर कभी बताऊंगी. रॉकी, कैसे हो? एज यूजुअल. मिसेस लोबो, सबके लिए चाय अरेंज कीजिए. जी मैडम. आइए. कुछ पता चला? कोई फोन, कोई खबर? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. इतने दिन हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा है. डोंट वरी, तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो तुम्हारे साथ बुरा क्यों होगा? सब ठीक हो जाएगा. हेलो. अच्छा, बोलो बोलो. मैं मर रही हूँ, आपको कोई डाउट है क्या? अच्छा अच्छा, किसका फोन है? पता नहीं, वो आपसे ही बात करना चाहता है. हेलो. यस. हाँ, आप कौन है? कहाँ से बोल रहे हैं? अपना पता बताइए, मैं वहीं आती हूँ. डोंट वरी, उसका इंतजाम हो जाएगा.
क्या हुआ मैडम? विकी का पता चल गया है, वो यहाँ आ रहा है। देखा, रॉकी इज ऑलवेज लकी फॉर द लेडीज। यस, टुडे इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ एंड दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन। आज मैं अपनी खुशी में सबको शामिल करना चाहती हूँ। आज की रात कैसीनो के कस्टमर्स ही नहीं पर चाइनाटाउन में रहने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी ऑन द हाउस।
बोतल तोड़ दे। वाह वाह वाह, मजा आ गया सर। हा? इस
पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ आपके लिए विनेश ओरिल बनाई है। क्या बात है, मैं अपनी इस फिल्म के लिए ये गाना जरूर लूंगा। सर सिर्फ गाना, इस हीरो को भी चांस दीजिए ना अपनी फिल्म में सर। हाँ हाँ जरूर जरूर। हाँ। पैसा लाए हो ना? नहीं। है? क्या? अरे तो बार बार शूटिंग में आकर मेरा टाइम क्यों वेस्ट करते हो? नहीं सर मेरी बात तो सुनिए सर, मुझ में टैलेंट कूट कूट कर भरा है सर, मुझे एक्शन आता है, डांस आता है, हॉर्स राइडिंग आती है। अरे वो सब करने तो डुप्लीकेट आता है। तो हीरो क्या करता है सर? हीरो 10 लाख रुपया लेकर आता है। मैंने तुमसे भी कहा था तुम नहीं लाए, वो ले आया। लेकिन सर मेरे पास तो जितने भी पैसे थे मैंने शोरील बनाने में खर्च कर दिए ना। अरे तो मैं क्या करूं यार, चलो जाओ। चले यार ये दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी डायरेक्टर साहब। क्या? मुझे 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 भारी पड़ेगी सर, मुझे प्लीज मुझे हीरो बना दीजिए ना। जल्दी से 10 लाख रुपया लेकर आओ, इसी फिल्म को मैं 2 हीरो की स्टोरी बना दूंगा। और सुनो, अगर 15 लाख रुपया लेकर आओगे ना तो इंटरवल में इस हीरो को मार दूंगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे भाई ओ सुनो, अब क्या करूं? दिल्ली से कितने सपने सजा कर निकला था, लेकिन अब जिंदगी के 2 राय पर खड़ा हूं। ये फिल्म का रास्ता है कि खुलता ही नहीं, और घर का रास्ता मैं अपने हाथों से बंद कर कर आ गया हूं। वरना डैडी ने तो रोका था। आज मुझे मत रोकिए डैड, बॉलीवुड मुझे बुला रहा है। बॉलीवुड तुमको नहीं, बकरे को बुला रहा है। तुम मुंबई नहीं जाओगे। आज दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मुंबई जाने से नहीं रोक सकती, और मैं सुपरस्टार बनकर ही वापस आऊंगा डैड। यानी कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। कल के सुपरस्टार की इतनी बड़ी इंसल्ट, अब तो मैं इस घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकता। अगर तुमने इस दहलीज के बाहर कदम रखा तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। उभरते टैलेंट का गला घोट देने वाले इस दरवाजे को मैं लात मारता हूँ। अंधे हो, देख कर नहीं फेंक सकते? I'm really sorry. Sorry बोल दिया तो हो गया? अंधे कहीं के। सबसे बड़ी अंधी तो मैं हूँ, जो उस फ्रॉड रोहित के प्यार में पागल हो गई। लेकिन प्रिया तुम घर छोड़कर मुंबई क्यों आ गई? रोहित मेरे डैडी मेरी शादी किसी बिजनेसमैन से कराना चाहते हैं। चलो शादी कर लेते हैं। नहीं, पहले तुम अपने डैडी को मना पटाकर 50-60 लाख रुपए लेके आओ, उससे मैं कोई अपना बिजनेस शुरू करूंगा। लक बाय चांस बिजनेस चल निकला तब मैं तुम्हारा हाथ मांगने आ जाऊंगा। अच्छा मैं 50-60 लाख लेकर आऊंगी तब तुम डैडी से मेरा हाथ मांगने आओगे? यस। कौन सा हाथ, ये वाला या ये? घर से निकलते वक्त लेटर लिखने की क्या जरूरत थी? मैं अब कभी वापस नहीं जा सकती, घर क्या मुँह लेकर जाऊँ, अब तो मुंबई में ही रहना होगा। तो क्या हुआ? मैं एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ, मुझे तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी जो जॉब के साथ अकोमोडेशन भी ऑफर करे। मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं। पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए, टाइमिंग्स रात के 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। मामा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तुम्हें भूख लगी है? एक मिनट, ये लो चॉकलेट। थैंक यू। अब सीधे अपने मम्मी के पास जाना, ओके? बाय स्वीट बेबी। टूर ओल्ड चाइल्ड मिसिंग, ये बच्चा तो यही था। 25 लाख का इनाम, मेरा तो रहने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कॉन्टैक्ट मिसेस सोनिया चैंग, 36 चाइनाटाउन पानाजी गोवा। अरे कहाँ गया वो? बस एक तो ही है बेटा जो मेरी प्रॉब्लम समझता है, आई मीन सुनता है। एक बार सुपरस्टार बन जाऊंगा ना तो सारे बचपन के रोल तुझसे ही करवाऊंगा, प्रॉमिस। चल इसी बात पे हाथ मिला, हाथ मिला। वेरी गुड। देख डोंट माइंड, थोड़ा बाल ट्रिम कराना। अरे बबली, बाल मैच नहीं होता तू है। यहां? तुम सॉरी, मेरा नाम बबली नहीं राज है। मैं तुमसे नहीं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। देखिए ये आपकी बेटी नहीं हो सकती। What nonsense? ये मेरी बेटी। एक सेकंड। ये आपकी तो क्या किसी की भी बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका नाम बबली नहीं बबलू है। मिल गया प्रूफ? हमेशा कंफ्यूजन होता है। दरअसल मेरे जुड़वा बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। चलो बेटा, पापा घर पे इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट
देखिए मैडम, मैं एक एक्टर हूँ और लोगों का बिहेवियर स्टडी करना मेरी हॉबी है। और आपका बिना मंगलसूत्र का गला ये चीख चीख कर कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। कमाल है, मेरा बच्चा नहीं होता तो मैं लेने क्यों आती? तुम्हें क्या लगता है मैं बच्चा उठाने वाली हूँ? देखो मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो वरना मैं तुम्हें पुलिस में ले जाऊंगी। अच्छा, ये बच्चा 25 लाख का बैरा चेक है इसलिए आप मदर इंडिया बन रही, लेकिन अब तो ये मेरा गॉडफादर बनेगा। देखो ये बच्चा मैंने पहले देखा है। तो क्या हुआ, अब मेरी गोद में है, जिसकी गोद उसका बच्चा, दैट्स इट। झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप कर लेते हैं, 90% मेरा 10% तुम्हारा। मुझे क्या बेबी सिटर समझ रखा है? वैसे मुझे लड़कियों के साथ ज्यादा आर्गुमेंट करना अच्छा नहीं लगता, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, बाकी के 15 लाख तुम रख लेना, नो प्रॉब्लम। ओके, हाँ चलो चलो एयरपोर्ट चलते हैं। क्या हम लोग प्लेन से जाएंगे? अरे मुझे पैसे लेके वापस जल्दी आना है, नहीं तो वो डायरेक्टर मेरे बिना सोलो हीरो की पिक्चर बना देगा, तुम नहीं समझोगे। चलो, हाँ और सुनो, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी माँ का फोन लगाते हैं। चलो। हेलो। हेलो, हाँ मैं मिसेस सोनिया चैंग से बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो बोलो। मैम आपकी आवाज तो बिल्कुल मर्दों जैसी लग रही है। मैं मर्दी हूँ, आपको कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं, देखिए मुझे जो भी बात करनी है मैं सिर्फ मिसेस सोनिया चैंग से करूँगा। ठीक है ठीक है। किसका फोन है? पता नहीं, वो आपसे ही बात करना चाहता है। हेलो। हेलो सोनिया चैंग? यस जी। आपका बच्चा खो गया? हाँ। देखिए वो मेरे पास है। आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। अपना पता बताइए, मैं वहीं आती हूँ। नहीं नहीं देखिए, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चा सही सलामत मेरे पास है और मैं पहली फ्लाइट पकड़कर उसको आपके पास लेकर आ रहा हूँ। ओए मिस्टर, मैं नहीं, हम मिस्टर एंड मिसेस दोनों आपका बच्चा फ्लाइट से आपके पास पहुँचा। अच्छा सुनिए, वो जो रिवॉर्ड के पैसे हैं वो कैश में मिल जाते तो? डोंट वरी, उसका इंतजाम हो जाएगा। एक्सीलेंट, चलिए थैंक यू, बाय। अब कितने पैसे हो गए? 22 रुपए 50 पैसे। प्रिया एंड राज एंटरप्राइज का पहला इन्वेस्टमेंट। देखो लड़कियां पैसे दे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इस बार तुम दे दो। नहीं अब मेरे 10 लाख रुपए में से काट लेना, नो प्रॉब्लम। अच्छा तुमने बताया नहीं तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? 9000 9000? बहुत बड़ी फैमिली है भाई। अरे टिकट के 9000, तुम्हें 4500 देने। अरे एक बार हीरो बन जाऊँ पूरे 9000 दे दूंगा। अब तुम्हारे पास और पैसे है ना? हाँ क्यों, चलो कॉफी पीते। के प्लीज, मैं बहुत बोर हो गई हूँ। जहाँ देखो गोवा, हनीमून गोवा में, फर्स्ट एनिवर्सरी गोवा में, बेबी की डिलीवरी भी गोवा में, यहाँ तक कि मम्मी की अस्थियाँ बहाने के लिए भी हम गोवा गए थे। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आप गोवा जाके करते क्या हो, दिन भर कसिनो में बैठ के पैसा हारते हो। इस बार मैं आपको जुआ नहीं खेलने दूंगी। नहीं खेलने दूंगी? अरे पगली, इस बार मैं हारने नहीं जीतने जा रहा हूँ। मेरे पास ज्ञानदर बाबा का फॉर्मूला है, ये देखो, इन गोटियों से पता चलता है कि कौन सा नंबर आने वाला है। अब मुझे कैसीनो में करोड़पति बनने से कौन रोक सकता है? रामचंद्र कह गए नटवर से, ऐसा कलयुग आएगा, डांस बार में रास रचेगा, कैसीनो में लुट जाएगा। मित्र, जुए में जीतने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। हाँ नहीं, आरने का एक फॉर्मूला है। क्या? जुआ मत खेलो, मत खेलो, वत्स बंद कर दो। ए भाई उड़ते प्लेन में क्यों चढ़ते हो? आपको कैसीनो का काका भी पता है क्या? कैसीनो? मित्र अगर मेरी बायोग्राफी लिखी जाए ना तो उसका हर चैप्टर कैसीनो का होगा। कैसीनो के दरवाजे जब खुलते थे ना तो हवा लगते ही मेरे हाथ पर कांपने लगते थे। कैसीनो में हारने का मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ। मेरे अमीर ससुर ने मुझे 5-5 होटल दहेज में दिए थे, उसमें से 4 मैं कैसीनो में हार गया। ये हुई नंबर दो वाली बात। आज भी चाइना टाउन के कैसीनो हॉलीवुड में मेरे चारों होटल गिरवी पड़े, पूछ लो। अब क्या 5वां होटल हारने जा रहे हो? नहीं, अब मैंने जुआ खेलना बंद कर दिया। क्यों? टोटल स्टॉप। मेरी अमीर बीवी ने अमेरिका ले जाकर मेरा इलाज करवाया, 6 महीने तक मुझे ऐसे इलेक्ट्रिक के शॉक्स दिए हैं कि ये कैसीनो, पत्ते, जुए, ये सारे वर्ड मेरे दिमाग से इरेज हो गए हैं, बिल्कुल निर्मल हो गया हूँ। मेरी बीवी, बीवी नहीं, कौन है? देवी, शी इज अ गॉडेस। वाह, वो देखो आ रही है देवी। सचमुच दौलत के लिए आपने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। नटू डार्लिंग, तुम यहाँ पर हो और मैं पूरे एयरपोर्ट पर ढूंढ रही हूँ, फिर गले में पट्टा बांधूंगी तो बोलना मत। नहीं नहीं प्लीज, वाइफ। ये आपकी बीवी है? हर बार लोग मुझसे यही सवाल क्यों पूछते हैं? नट्स, डोंट टॉक रबिश नो।
ये लोग कौन है? देवी, ये मेरा बीता हुआ कल है। एक नंबर का जुआ, ये गोवा जा रहा है जुआ खेलने। लेकिन मैंने इसे समझाया कि जुआ मत खेल, बुरी चीज है, समझाया ना? हाँ। हाँ? नट, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम क्योर हो गए हो। It's all because of you, देवी। तुम गोवा जा रहे हो ना? Yes। गोवा में मेरा होटल अल्फ्रेडो है, ये लो मैच बॉक्स। होटल जलाना है? नहीं नहीं, जलाना नहीं है, ये मेरा साइन किया हुआ मैच बॉक्स। काउंटर पर दिखाओगे तो तुम्हें डिस्काउंट। ओह, डिस्काउंट के लिए? थैंक यू, थैंक यू। मैं भी वहीं रहता हूँ। अच्छा, जलाना नहीं है? जलाना नहीं, नहीं, नहीं। जो किया। Nuts, darling, I want some coffee. Sure, तुम बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। मैं कॉफी लेकर आता हूँ, ओके? बैठो। Bye guys. Bye bye. कितना प्यारा पति है। प्यारा पति नहीं, पालतू पति है। मेरा ब्रेन वॉश करने चला था। अच्छा, दो कॉफीज दीजिए, एक ब्लैक, एक ब्राउन, एक में चीनी कम, एक हरी। सुनिए, इधर बात करिए। एक्सक्यूज मी, ये बच्चा आपका है? हाँ, ये हमारा बच्चा है, हम लोग शादीशुदा हैं। जस्ट मैरिड। जस्ट मैरिड? तो ये बच्चा इतना जल्दी? वो एक्चुअली बच्चा था, इसलिए शादी करनी पड़ी। अच्छा अच्छा, लेकिन ये बच्चा कहीं देखा हुआ लगता है, देखा हुआ। अरे प्रिया, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है भाई, गोवा जाना है। अब गोवा जा रहे हैं ना? जी जी। गोवा में मेरा होटल अल्फ्रेडो है, वहाँ काउंटर पे मेरा साइन किया हुआ ये मैच बॉक्स दिखाना, डिस्काउंट। ओके, बाय बाय। बच्चा कहीं देखा हुआ लगता है। इसे याद आ गया ना तो 25 लाख में एक और हिस्सेदार शामिल हो जाएगा। हमें प्लेन से नहीं, बस से जाना चाहिए। और अगर बस में किसी ने पहचान लिया तो? अरे एक्टर हूँ भाई, तुम एक काम करो, इसकी माँ को फोन लगाओ और बताओ कि हम लोग एरोप्लेन से नहीं, बस से आ रहे हैं। तब तक मैं इसका गेटअप चेंज करता हूँ। आज आज कम देगा। लाल वालों में क्या हैंडसम लग रहा है, बिल्कुल मेरे जैसा। बढ़िया से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका गेटअप ऐसा चेंज कर दिया इसकी माँ भी नहीं पहचान पाएगी। माँ भी नहीं पहचान पाएगी तो पैसे कौन देगा? पता है, तुम जब भी खफा होती हो ना, बिल्कुल मेरे डैड जैसी लगती हो। जोकिंग। ये क्या कर रहे हो? पीछे वाले को बच्चे के ऊपर शक हो गया है, इतनी देर से बच्चे को घूर घूर कर देख रहा है। तो क्या बस से उतर कर पैदल गोवा जाए? नहीं नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऐसी एक्टिंग करनी पड़ेगी कि तुम उसकी मम्मी हो और मैं उसका डैडी हूँ। ओके ओके। अरे पिंटू की मम्मी, बच्चे को देखो कितनी भूख लग रही है। ठीक है पिंटू के डैडी, आगे जब बस किसी होटल पे रुकेगी तो दूध पिला दूंगी। नहीं 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 नहीं, माँ का दूध ही बच्चे की सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है, नहीं? किशन जी, पनवेल आ गया। ये तो अंधा है। अंधा वो नहीं, तुम हो। हाथ निकालो। और अब अगर किसी को सचमुच शक हो जाए तभी हाथ मत रखना। स्टुपिड। अरे एक घूंट मेरे लिए भी रखना। ये मेरा झूठा है। तो क्या हुआ, पार्टनर्स को चलता है? मतलब बिजनेस पार्टनर्स को चलता है। ये लो। थैंक्स। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अरे I think of you 24/7.
टूटता अच्छा होता है भाई। गुड लक यू आर राइट। गुड लक के 50 रुपए मिंगल। 50 रुपए जो कांच टूटा वो मेरे दारू की बोतल थी भाई। अगर बोतल तो खाली थी। हम भरी ली होती ना नहीं टूटती क्या? भरी होती तो टूटती थी मगर खाली बोतल थी ना भाई। इसीलिए तो 50 मांगे ना। अरे 100 रुपए यार। अरे कोई बात नहीं, एक और बोतल फोड़ दूंगा आपके नाम की। बाहर भी कैसे ना खुल गया क्या? इधर भी लूट और उधर भी लूट। कुछ ही देर में पूरा कैसीनो मेरा हो जाएगा। गैंबलर बाबा जिंदाबाद। ए
एक और चार चौदह। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। चौदह बस बाबा आ जा। चौदह 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 गया 14 बाबा। आज का फॉर्मूला चल गया और मैं जीत गया। आई वन आई वन। यू वांट टू मीट बाबा? यस बाबा, आई विल इंट्रोड्यूस यू। या या या। Good evening, young lady. Good evening. Congratulations. You're the lucky winner for Lonely and Only Beauty in the Casino Contest. Oh, thank you. और आपको हमारी कंपनी की ओर से मिलता है एक गिफ्ट हैम्पर। Wow, कहाँ है गिफ्ट हैम्पर? ये आपके सामने तो खड़ा है। Oh. तो चलें, लॉन्ग ड्राइव पर। Oh, Mr. Gift Hamper, I am married. I don't mind. Rocky, 9820420420. जिनके साथ उनका पति नहीं होता उनके साथ ये रॉकी होता है। आज इंडिया में यही प्रॉब्लम है, 90% औरतों के साथ उनके पति नहीं होते और बाकी के 10% औरतें अपने पति के साथ नहीं होती। For your kind information, ये जो आपका सर्वे है ना बिल्कुल गलत है। I'm very happy with my married life. Okay? ये मेरा कार्ड लीजिए, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। दो कार्ड देने का मतलब? एक कार्ड तो तुम अभी फाड़ दोगी ना। Oh no, I won't do that. मैं तो अभी दोनों कार्ड फाड़ दूंगी। Free your mind. Excuse me. Yes. Wow, sex bomb. आपके डैडी टेररिस्ट है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? Sorry. Oh, बाबा रे. केके, अगर आज का आपका हारने का कोटा खत्म हो गया हो तो हम डिनर पे चले। अरे मैं आज हार नहीं रहा हूँ, जीत रहा हूँ, हर बाजी जीत रहा हूँ, समझी? सर, तू बैठ मत, तू बहुत बड़ी पनौती है, तेरे सामने गैम्बलर बाबा का फॉर्मूला भी फेल हो जाएगा, तू जा यहाँ से। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए पनौती हूँ? अभी अभी एक बहुत ही हैंडसम लड़का मुझे प्रपोज कर रहा था। जरूर कोई सेकंड हैंड चीजों का शौकीन होगा। तू जा यहाँ से, गोटी घूम रही है, तू जा यहाँ से, पनौती कहीं के। बाबा सॉरी, यहाँ गंदी साया। हेलो, आर यू स्टिल हैप्पी विद योर मैरिड लाइफ? प्लीज लीव मी अलोन। इंडिया में यही प्रॉब्लम होता है, 90% मर्द बोलते हैं कि उनकी बीवी पनौती और बाकी 10% वो बोल नहीं पाते। लेकिन मैं सचमुच पनौती हूँ। आई डोंट बिलीव दिस। औरतें तो मर्दों के लिए किस्मत लेकर आती हैं। लेडी लक से बढ़कर कोई लक नहीं होता। Really? Yes, और आज तुम खेलोगे भी और जीतोगे भी। कौन? बोलो। कौन सा नंबर लगाऊं? 16. 16? Sweet 16. There you go. Come on. 16. Come on, come on, come on. 16. Yes! 16. मैंने बोला था ना तुम लकी हो। Never believe your husband. Next number. आज कितने सालों के बाद हम साथ बैठे हैं? Yes. वरना तुम हमेशा कैसीनो चले जाते थे। सब तुम्हारे कारण है देवी। मैं तो चाहता हूँ कि तुम सबकी बीवी बनो। क्या? I mean, भगवान करे सबको तुम जैसी बीवी मिले। डार्लिंग, पीते क्यों नहीं? क्यों नहीं, इतनी अच्छी है कि गिलास भी नाच रहा है। या इट्स रॉकिंग। तुम लकी नहीं, सुपर डुपर लकी हो। तुम फिर से जीत गई, तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, तुम 50 लाख जीत गई। ओह माय गॉड, आज जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अनलकी नहीं हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से है। तो चले लॉन्ग ड्राइव पर। ओए, I'm still happy with my married life. एक घंटा वेस्ट हुआ। Congratulations. Thank you. You're the lucky winner. इस वक्त मैं आपका ये पेमेंट नहीं कर सकता। हमारे कैसिनो का रूल है जब तक टेबल पर एक भी प्लेयर हो आप टेबल छोड़कर नहीं जा सकती। You have to play. What you have to play? जब मेरे हस्बैंड हार जाते थे तब उन्हें चालू गेम से उठाकर बाहर फेंक देते थे और आज जब मैं जीती हूँ आप मुझे रूल सिखा रहे हैं। कहाँ है आपकी ये सोनिया मैडम? इस वक्त वो अपने बंगले पर है। मैं भी देखती हूँ कि ये मुझे 50 लाख रुपए कैसे नहीं देती है। I'm not a loser. Nuts, ये क्या कर रहे हो तुम? कंट्रोल करो ना अपने आप को। कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंट्रोल नहीं हो रहा है। कहाँ जा रहे हो? कैसीनो।
वापस जुआ खेलने जा रहे हो? नहीं, जो खेल रहे उनको रोकने जा रहा हूँ। देवी, तुमने मुझे सुधारा, मैं उनको सुधारने जा रहा हूँ। Really? Wish you all the best. Thank you, देवी. Thank you. Nuts, you are great. I'm proud of you. आप यहाँ क्या हुआ? लगता फिर से आ गया। ऑन इन प्लीज। प्याज प्याज ऑन इन। प्याज और जूता सुनगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। मगर ये भरतनाट्यम कैसे बंद होगा भाई? काउंटर सुनगा। काउंटर सुनगा। कचार वाला। काउंटर सुनगा हूँ। थैंक यू। तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मगर तुम कैसीनो में क्या कर रहे हो? तुमने तो जुआ खेलना बंद किया था। भिखारी कितना भी अमीर हो जाए, भीख मांगना नहीं छोड़ता। वैसे जुआरी कितना भी गरीब हो जाए, जुआ खेलना नहीं छोड़ता। क्या बात है? कितना हारे तुम? हारा नहीं, जीत रहा हूँ। जीत रहे हो? क्या बात कर रहे हो? आज मेरे पास गैम्बलर बाबा का फार्मूला है। गैम्बलर बाबा? गैम्बलर बाबा ने जो गोटियां दी है ना, वो गोटियां मैं हिला के देखता हूँ, उसमें मैजिक नंबर आता है, वही नंबर इसमें आता है। मैं हिला के देखता और लगाता हूँ, हिला के देखता और लगाता हूँ, इसमें वॉलीबॉल हो रहा है, वॉलीबॉल हो रहा है। ये फार्मूला अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपनी गिरवी चारों होटल छुड़ा सकता हूँ। मत खेल। हाँ, ये छोटी मोटी गेम मत खेल, बड़ी गेम खेलते लाखों की। पर मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास है ना माल, मेरा गोटी तेरी, बॉल 50-50 बॉल। यस। काउंटर दे। मैनेजर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मुझे 25 लाख रुपया चाहिए क्रेडिट पे। सॉरी सर, हम इतना बड़ा क्रेडिट नहीं दे सकते। पता है, इसलिए मैं अपना अल्फ्रेड होटल गिरवी रखना आया हूँ। आप मुझे पैसे दे दीजिए और पेपर बाद में साइन कर लेंगे, ओके? नो सर, मैडम ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने से मना कर दिया है। क्यों? इससे गैम्बलर की फैमिली पर असर पड़ता है। अरे वाह, जब मैं अपनी चार चार होटल हार गया तब तुम्हारी मैडम को मेरी फैमिली याद नहीं आई, और आज जब ऊपर वाले ने चारों होटल लौटाने के लिए एक फरिश्ता भेजा है तब तुम्हारी मैडम ने रोल बदल लिया। देखता हूँ तुम्हारी मैडम मुझे क्रेडिट कैसे नहीं देती है। कहाँ थी तुम इतने दिन? तुम्हारे बिना गोवा सूना सूना लग रहा था। मैं अमेरिका गई थी नट्स का इलाज कराने। लेकिन मिस्टर नटवर तो हेल्दी थे, कभी बीमारी के कारण कसीनो में एब्सेंट नहीं रहे। उसी बीमारी का तो इलाज करवाने गई थी, लेकिन अब नट्स इतना सुधर गए हैं कि दूसरों को सुधारने के लिए कसीनो गए हैं। तो हम थोड़ा बिगड़ जाएं, चलें लॉन्ग ड्राइव पर। नो वे। मेरी आंखों में देखकर कहो तुम्हें क्या दिख रहा है? नट्स। नट्स? अरे कमाल है। ये देखो 25 लाख। आज अगला पिछला सारा हिसाब बराबर कर दूंगा। कई महीनों के बाद आया हूँ, जम के खेलूंगा, जम के जीतूंगा। आज हमारी जोड़ी और गैम्बलर बाबा की ये गोटी इस कैसीनो को बहुत भारी पड़ेगा बॉस। बहुत भारी पड़ेगा। नट्स, नट्स, तुमने फिर से खेलना शुरू कर दिया। कम ऑन, गेट अप। आई से गेट अप। व्हाट? गेट अप, गेट अप, शट अप। खेलो यार, खेलो। आप देवी से सी बात कर रहे हैं? काहे की देवी, ये तो डायन है। डायन? देवी का है। साला जुए की आदत छुड़ाने के लिए मेरे बॉडी के पार्ट पे ऐसे ऐसे शॉक दिए, इधर 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 इधर। मैरिड लाइफ बचाने के लिए ऐसी ऐसी तरह से शॉक दिए कि मैरिड लाइफ रही ही नहीं है। क्या शौक? खा खा के सब कुछ छूट गया, लेकिन ये जुए की आदत नहीं छूटी है। बता देना अपने बाप को। खेलो यार। Have you gone crazy? डैडी ने ये सब सुना तो उन्हें अटैक आ जाएगा। आने दे, मरने दे अमरनाथ को। आज मैं तेरे और तेरे बाप की गुलामी से आजाद हो जाऊंगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गैम्बलर बाबा। इतना सारा पैसा तुम कहां से लाए नट्स? तेरे बाप से नहीं लाया हूं मैं। आज तो सारे होटल जीत के तेरे बाप के मुंह पे मारने वाला हूं। अब मैं नट। लगता है होटल एल्फ्रेडो को भी इसने गिरवी रख दिया है। सोनिया, चलो कैनेडा वाले उतरो।
आज मैं इस भीड़ को देखता हूँ, लेकिन जब मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा ना तो यही भीड़ मुझे बस से उतरते हुए देखेगी। सुपरस्टार बनने के बाद भी तुम बस से ही उतरोगे? अब अरे अपनी पर्सनल बस होगी भाई। और वो रेस्टोरेंट देख रही हो? वो भी तुम्हारा ही होगा। नहीं, रकम मिलने के बाद वहाँ मैं तुम्हें डिनर कराऊंगा, कैंडल लाइट डिनर। मुझे तुम्हारे साथ डिनर विनर करने का कोई शौक नहीं है। हमारी बिजनेस डील है, इनाम के पैसे मिलते ही तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने रास्ते, समझे? हाय, अचानक कहाँ चली गई थी? वो मैं फ्रेश होने गई थी। सच कहूँ, तुम पहले ज्यादा फ्रेश लग रही थी। इस तरह सिर्फ दो लोग पीते हैं, नशे का मारा या गम का मारा। नशे की मारी तो तुम लगती नहीं, और गम का इलाज हो सकता है। इस वक्त तुम्हें इसकी नहीं, एक फ्रेंड की जरूरत है, एक ऐसा फ्रेंड जो तुम्हें समझ सके। तो चले। मर गए बाबा, पैसे गरीब से रंगों की सप्ताह में लगा दिया बाबा, नाक मत कटने देना बाबा। एक बार चिता दे, तीन फिक्र मत करो नटू भाई, अपने ज्ञानगर बाबा सब चंगा कर देंगे। अरे चंगा क्या साले, मैं नंगा हो गया हूँ, 24 लाख हार चुका हूँ, ये आखिरी लाख है। तीन 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 चिता दे, मैं बर्बाद हो गया। शांति रखो। अरे मैं लूट गया। वो तेरे गैम्बलर बाबा का मुझे एड्रेस दे। गैम्बलर बाबा का एड्रेस दे। अरे भाई मैं मानता हूँ, इतना हारने के बावजूद भी आपको गैम्बलर बाबा से मिलने की इच्छा हो रही है। इच्छा? मेरी इच्छा साले को गुफा से निकल कर लात मारने की हो रही है, ताकि साला कभी भी किसी को गोटियां ना दे। तूने साले फ्रॉड ने मुझे उसके चक्कर में फंसाया। तूने मैंने बुलाया था तुमको? हाँ मैंने बुलाया, खुद ही आ गया। भरतनाट्यम करते तेरे बड़े कम के चक्कर में अपने जीते हुए पैसे हार गया। 50,000 मैं हार गया हूँ, मेरे 50,000 निकाल तू। अरे मेरे 25 लाख गए, 25 लाख निकाल मेरे। 25 मैं निकालू? हाँ। अगर 25 लाख मेरे पास होते तो क्या मैं जुआ खेलने आता? पागल हूँ, बेवकूफ हूँ। तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं बेवकूफ हूँ? मैं बेवकूफ हूँ? अरे तो क्या, वरना अपने अमीर ससुर को गाली देता है? अरे साले फ्रॉड गुरु के फ्रॉड जेलस साले। अमीर औरत या गरीब गुलाम, शौक खाका कर तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू एड़ा हो गया है, यू गॉन मैड। तू साले शौक की बात करता है, तू शौक की बात करता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। अरे नहीं छोड़ूंगा मैं भी, छोड़ूंगा भाई तेरे को। पैसे निकाल, मेरी गाड़ी, मेरी चैन को प्रेस कर, मेरे पैसे निकाल। अबे तू चाहे अबे तू क्या करेगा बोल, तू क्या करेगा, तू क्या करेगा बोल बोल साले, तू क्या करेगा बोल, तू क्या करेगा, तू क्या करेगा बोल ना, तू क्या करेगा बोल। मैं क्या करूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। ला साला मेरा बात कर, छोड़ दे, तू क्या करेगा? अरे छोड़, छोड़ दे बोल साले, तू क्या करेगा? मेरी वैसे मेरी बीवी चला गई, मेरी बीवी तो मुझे मार मार के चला गई। छोड़ स्टोरी स्टोरी के अंदर बाबा का सत्य नाश हो। कहीं हम आगे तो नहीं निकल आए, किसी को पूछ तो लो ना। अरे रात के 1 बजे किससे पूछूं? उस पेड़ से, इस रोड से, या एक काम करता हूँ पीछे जो खंभा है ना उससे पूछ लेता हूँ। खंभे भाई साहब, सॉरी सॉरी भाई साहब, ये लीजिए सॉरी। कैच क्यों कर लिया? गिरती तो टूट जाती ना। बोतल तो खाली है ना, अगर भरी होती तो नहीं टूटती क्या? अरे देखो नहीं, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने आपका एक काम किया है, अब आप मेरा एक काम कर दीजिए। 36 चाइनाटाउन कहाँ है ये बता दीजिए प्लीज। आप तो गलत आ गए, वापस घूम के सीधे डन तक चले जाओ। अच्छा बंगला वहां पर है? नहीं, वाइन शॉप में है, वहां से मेरे लिए क्वार्टर लियो, वरना मैं नहीं बताऊंगा कि 36 नंबर बंगला पीजिए। चलिए, नहीं बताने के लिए थैंक यू, थैंक यू। हम लोग ढूंढ लेंगे, कम चलो। क्या है ये? वाओ, जब मैं सुपरस्टार बनूंगा ना तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही बंगला बनाऊंगा। बेल कहाँ है? ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? नीचे देखो। हाँ? मम्मा मैं आ गया। इसकी माँ ने हमारे लिए गेट खुला ही छोड़ा है। हाँ, गेट खुला छोड़ने की आदत है ना, इसीलिए बच्चा बाहर निकल गया होगा। चलो चलो। कमाल है, ये भी खुला है।
मैम, मैडम, मैं आपका बच्चा लेकर आ गया। सॉरी मैम, हम आपका बच्चा लेकर आ गए। लगता है मैडम इंतजार करते करते सो गई। कमाल है, हम लोग 25 लाख का बेरर चेक लेकर आए हैं और बैंक सो रहा है। चलो ऊपर देखते हैं, कमान। अरे ऐसे किसी के बेडरूम में? क्या बात कर रही हो, हम उनका खोया हुआ बच्चा लेकर आए हैं। मुझे तो लगता है मैडम इतनी खुश होंगी कि मुझे भी अडॉप्ट कर लेंगी। लगता है सारे नौकर भी सो गए। अरे यहाँ तो इतने सारे कमरे हैं, मैडम को कहाँ ढूंढें? तुम इधर देखो, मैं उधर देखती हूँ। क्या हुआ प्रिया, क्या देख रही है? वो कुछ चमक रहा है। क्या? अरे ये तो डायमंड का ब्रेसलेट है। रहने दो, अपना नहीं है। अरे जानता हूं मैडम का होगा, वापस करेंगे तो इसका भी नाम मिलेगा। अटक गया। ब्रेसलेट के साथ हाथ भी है। किसका हाथ? डेड बॉडी का हाथ। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। अरे भागो! प्रिया, 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 उठो, उठो। भागो, भागो, चलो, come on, hurry up, hurry up, let's go, चलो, 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 भागो, उधर, उधर चलो, चलो, राज, प्रिया, हमें ब्रेसलेट लेनी चाहिए, चलो, अंदर बच्चा रह गया है, अरे तो उसी का घर है ना, चलो, नहीं नहीं, अंदर उसकी माँ का खून हो गया, हो सकता है उसकी जान को भी खतरा हो, अच्छा, अच्छा तुम गेट के पास रुको, मैं बच्चे को लेकर आता हूँ, जाओ जाओ। अरे बहुत अंधेरा है भाई, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मुझे अपने जूते नहीं दिख रहे तो और किसी के कैसे दिखेंगे। बेटा एक काम करो जरा, मुन्ना राजा कहाँ? बेटा अंकल को बाहर छोड़कर आओ, चलो बेटा आजा, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा, चलो चलो, अंकल को बाहर छोड़कर आओ, चलो बेटा, गुड बॉय, चलो। अरे राज, चलो प्रिया जल्दी करो, भागो, अंदर मर्डर भी है। क्या तुमने उसे देखा? अरे मैंने उसे नहीं देखा, उसने मुझे देख लिया, मैंने तो सिर्फ उसकी दो पैर और दो आंखें देखी। अभी भागो, 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 भागो। अरे रुको रुको, हम भाग क्यों रहे? हमने थोड़ी खून किया है। ये मानेगा कौन? ये बात सिर्फ तीन लोग जानते हैं, हम दोनों और तीसरी वो डेड बॉडी। हमारी बात कोई मानेगा नहीं और डेड बॉडी बोलेगी नहीं। ये आजकल के लड़के भी ना। तुमने मुझे किस क्यों किया? पीछे से पुलिस जा रही थी, उनको शक ना हो इसलिए। ठीक है ठीक है, आइंदा ऐसी किस्मत करना। तो कैसे करूं? किसी भी तरह नहीं। ओके सॉरी, सबसे पहले हमको गोवा से निकलना चाहिए। लेकिन ये बच्चा, इसे इसके किसी रिलेटिव के घर पहुंचाना पड़ेगा ना। यू आर राइट। वो पुलिस जीप देख रही हो? एक काम करते हैं, इसको सुलाकर उस जीप में छोड़ देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। और उसके बाद हम पुलिस को फोन करके मैडम के मर्डर के बारे में बता देंगे। क्या? अरे उससे पुलिस को बच्चा भी मिल जाएगा और मर्डर का भी पता चल जाएगा। अच्छा ओके।
रात की ड्यूटी बहुत भारी पड़ती है। वो क्या ना, रात में मेरी बीवी को अकेले बहुत डर लगता है। अच्छा, तो वो क्या करती है सर? क्या करेगी बेचारी, रात में फिर सोसाइटी के वॉचमैन को बुला लेती है। और दिन की ड्यूटी हो तब? नहीं नहीं, दिन में कोई टेंशन नहीं, दिन में तो प्रेस वाला, पेपर वाला, दूध वाला, भाजी वाला सब आते जाते रहते हैं। ये कौन है? हेलो इंस्पेक्टर रवि फ्रॉम चाइना टाउन पुलिस स्टेशन, हाउ कैन आई हेल्प यू? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यस। 36 चाइना टाउन में सोनिया चैंग का मर्डर हो गया है। व्हाट? सोनिया चैंग का मर्डर? सर किसी का फोन है, कहता है सोनिया चैंग का मर्डर हो गया है। कॉल ट्रेस करो। यस सर। आपको कैसे पता लगा कि सोनिया चैंग का खून हो गया है? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, फौरन हवेली पर पहुंच जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें मर्डर मिल जाए। आपने खूनी को देखा है? हाँ, उसके दो पैर और दो आंखें। दो पैर और दो आंखें सबकी होती हैं, आप कौन बोल रहे हैं? आपका शुभ चिंतक। कोई बेवकूफ इंस्पेक्टर था, इन्फॉर्मेशन मिलते ही हवेली जाने के बजाय मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। टाइम पास नहीं, फोन ट्रेस कर रहे होंगे, जल्दी चलो वरना आ जाएंगे। रिलैक्स, मैं बचपन से हिंदी फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूँ, आज तक पुलिस कभी टाइम पर नहीं। पुलिस? सॉरी, वो गोवा पुलिस किसी फिल्म में देखी नहीं ना इसलिए। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, जो पहली बस मिलती है उससे निकल चलते हैं, चलो। ओह नो! क्या हुआ? मेरा बैग हवेली में रह गया। अरे भूल जाओ उसे, चलो। अरे कैसे भूल जाओ उसे, उस बैग में मेरा पासपोर्ट है। गोली मारो पासपोर्ट को, कौन सा था तुम्हें फॉरेन कंट्री में जाना है, चलो। अरे पासपोर्ट में मेरा नाम, पता, टेलीफोन नंबर सब है, अगर पुलिस को मिल गया तो समझे कि मर्डर मैंने किया है। चलो हम जाकर ले आते हैं। हम कौन भाई? देखो तुम्हारी मेरी पार्टनरशिप यहीं खत्म, आज से तुम तुम्हारे रास्ते, मैं अपने रास्ते, प्लीज। देखो ऐसा मत करो, अगर पुलिस मेरे घर पर पहुंच गई तो मेरे पापा को अटैक आ जाएगा। मेरे पापा को दो आ चुके हैं, ये जो तीसरा आएगा ये फुल एंड फाइनल होगा, और वैसे भी वहां पुलिस पहुंच चुकी होगी, मैं नहीं आ सकता। ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी। रुको प्रिया, जाते जाते बस भाड़ा तो देती जाओ प्लीज। बर्बाद हो गया, रास्ते पे आ गया। अरे मुंबई वापस जाने के भी पैसे नहीं है रे, होटल कैसे जाऊं, बीवी को क्या वो दिखाऊं। इस गैंबलर बाबा ने तो मुझे जहर खाने तक के पैसे नहीं छोड़े, साला गोटी देख के बेवकूफ बनाता है, फ्रॉड कुत्ता कमीना। मेरे लिए एक खून माफ हूं ना तो सबसे पहले मैं गैंबलर बाबा को उड़ा दूंगा, साला कमीने। बोले नहीं, माल से भरा हुआ है, गोटी निकालता हूँ। बाबा बाबा मुझे माफ कर देना बाबा, मैंने तुझे अनाप शनाप बोल दिया था, बाबा तो 1000 साल जी है और ऐसे सूटकेस बरसाते रहे, लगता कोई नहीं। बाबा चल, बाबा बाबा की जय हो बाबा की जय हो जय हो। हाय पार्टनर। तुम? एक्चुअली तुमसे अलग होने के बाद मैं हनुमान जी के टेंपल गया था, वहां मैंने उनसे पूछा कि मुझे प्रिया की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसी वक्त मेरे सर पर एक फूल गिर गया, बस मैं उनका इशारा समझ गया और सीधा तुम्हारे पास चला आया। थैंक्स, तुमने इतनी रात गई गोवा में हनुमान का मंदिर ढूंढ लिया। अब एक्टर हूं भाई, थैंक गॉड पुलिस नहीं है। तो चले? नहीं, तुम अंदर मत आओ, मैं जाता हूँ। लेकिन अगर पुलिस आ गई तो मेरी फिक्र मत करना, तुम यहां से चली जाना और कभी किसी से मत कहना कि हम लोग मिले थे। और अगर मैं बाहर आ गया तो हम दोनों साथ में कैंडल लाइट डिनर पर जाएंगे, लेकिन आप बिल का पैसा
तुम दोगे क्योंकि लड़कियां पैसे दें ये तुम्हें पसंद नहीं। करेक्ट। वैसे फिक्र मत करो, हम लोग मुंबई साथ में जाएंगे। बस मैं यूं गया और यूं आया। Hands up. Hey, गोली मत चलाना। मैंने कुछ नहीं किया। मैं खूनी नहीं हूं। कुछ किया नहीं और फिर भी पता है कि यहां पर खून हुआ है। अब पुलिस आई है तो खून तो हुआ ही होगा ना सर। It's a good guess. अब ये भी गैस करो कि इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दरअसल सर मुझे नींद में चलने की बीमारी है। एक बार तो क्या हुआ था सर, चलते चलते बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गया था। वो तो भला हो हमारी गवर्नमेंट का कि उन्होंने बस सर्विस चला दी, नहीं तो वहीं सेटल हो जाता। आई थिंक इज राइट सर, मेरी वाइफ को भी नींद में चलने की आदत है। कई बार तो वो रात में चलते चलते पड़ोसी घर पहुंच जाती है। आई एम सॉरी सर। ये क्या है? तुम ब्रेसलेट पैरों में पहनते हो? वो एक्चुअली सर ये 2-in-1 ब्रेसलेट है। ब्रेसलेट कम एंकलेट ज्यादा है, तो रात को जब नींद में चले निकलता हूं ना तो पैरों में पहन लेता हूं। Are you sure कि ये तुम्हारा है? मेरे पैर से निकला है तो मेरा ही होगा ना सर। इस पे इनिशियल्स क्या लिखे? मेरे ही होंगे सर, RM। Sure? ऐसा होगा सर, बचपन में समझे प्यार से सोनू सोनू कहकर पुकारते थे, ऐसा होगा। इस पर कोई इनिशियल्स नहीं है। याद आया सर, ये तो तब से मेरे पास है जब मेरा नाम ही नहीं रखा था। याद आ गया सर, भूल गया था। सर मैं सब सच कह रहा हूं, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। हाँ डेड बॉडी को जरूर देखा था, नींद में चलते हुए डेड बॉडी से टकरा गया था सर। एक्चुअली मेरा सेकंड राउंड है। बहुत राउंड मार लिए, अब बताओ डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी ऊपर है, आप मेरे पीछे आइए। फॉलो मी। आइए सर, मैं दिखाता हूँ सर। ये रही डेड बॉडी सर। अरे ये किधर? इंस्पेक्टर साहब डेड बॉडी कहाँ गई? पता नहीं। सच बताओ लाश कहाँ छुपाई है? लगता है सर वो दो पैर दो आंख वाला खूनी ले गया। बाबा बाबा बाबा, ये क्या उठा लाए के? बाबा ने प्रसाद दिया है पगली। छप्पड़ फाड़ के दिया है बाबा ने, छप्पड़ फाड़ के। सच? अरे बैग खोल के देख ले पगली, पता चल जाएगा कितना कैश है और कितनी ज्वेलरी है, देख ले। क्यों फट गई ना आंखें? अरे अपने बाप के घर इतनी सारी दौलत कभी देखी थी तूने? Oh!
आप क्या मुझे भी मारोगे? अरे मैंने किसी को नहीं मारा पगली, ये बैग मुझे रास्ते में मिला था। अच्छा एक काम करते हैं, इस बैग को यहीं छोड़ देते हैं और भाग चलते हैं। चल चल। पागल हो गए क्या? अरे ये रूम हमारे नाम पे बुक है, अगर हम उसे यहीं पे छोड़ देंगे तो पुलिस यही समझेगी कि कौन हमने किया है। अगर साथ लेके जाएंगे तो पुलिस हमको परमवीर चक्र देगी। इस पाखंडी बाबा के चक्कर में लगता हमारी बच्चे कुछ जिंदगी जेल में पत्थर तोड़ते गुजारनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करेंगे। ओके ओके, कल सुबह पहली ट्रेन से हम मुंबई चले जाएंगे। अच्छा हाँ। दो टिकट लगेंगे या तीन? लगेज में जाएगा, लगेज में। एक विटनेस मिला है सर। क्या जानते हो तुम? साहब करीब आधी रात को एक 20-22 साल का लड़का आया था, उसके साथ एक खूबसूरत लड़की थी और एक 1.5-2 साल का बच्चा था, लाल बाल वाला। मामा कहाँ मिले थे वो लोग? यहीं मिले थे साहब, सड़क पर। मेरे को उन लोग ने बंगले का एड्रेस भी पूछा और मेरे क्वार्टर का पैसा भी नहीं दिया। उस वक्त कितने बजे थे? जिधर अपन पीता ना साहब, वो कंट्री बार वो बंद हो गया था तो रात का 1-1.5 बजा होगा। कहीं वो लड़का ये तो नहीं था? यही था साहब, यही था। इसके साथ वो लड़की थी और लाल बाल वाला बच्चा भी था। तुम्हारे साथ वाली लड़की कहाँ है? लड़की? मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी सर। और आप इसकी बात कहाँ सुन रहे हैं सर? ये तो पिया हुआ है, झूठ बोल रहा है सर। झूठ बोलने के लिए शराब पीने की जरूरत नहीं होती, तुम बिना पिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। वायरलेस पे फौरन खबर कर दो, कहीं भी लाल बाल वाले बच्चे के साथ कोई 19-20 साल की लड़की नजर आए उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। सर बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम ऐसे नहीं बताओगे? मेरे पास भी एक ब्रेसलेट है जो तुम्हें बराबर फिट आएगा। कल रात चाइनाटाउन के मशहूर हॉलीवुड कैसीनो की मालकिन श्रीमती सोनिया चैंग की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक लड़के को गिरफ्तार किया है जिसका नाम राज मल्होत्रा है। पुलिस को शक है कि इस हत्या में मासूम से दिखने वाले इस लड़के के साथ एक लड़की भी शामिल है और उसके साथ एक लाल बालों वाला बच्चा भी है। बंगले में खाली और टूटी तिजोरी को देख कर हत्या के पीछे लूट का मकसद बताया जा रहा है। हेलो इंस्पेक्टर रवि हियर। या यस नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओवर एंड आउट। सर हेडक्वार्टर से फोन था? हाँ मेरी बीवी का फोन था, बोल रही थी अंडे लेकर फौरन घर पहुंचो। वो क्या ना कि कल उसका बर्थडे है, मुझे केक बनाना है। केक आप बनाएंगे? अब हमने घर में काम बांट रखे हैं, बनाने का काम मेरा, खाने का काम उसका, धोने का काम मेरा, पहनने का काम उसका। साहब आ गए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, एनी प्रोग्रेस? जी सर। सर हवेली के लोगों के अलावा 6 लोगों की फुटप्रिंट्स और मिले हैं, जिनमें 3 जेंट्स के हैं और 3 लेडीज के। इंटरेस्टिंग। सर इंटरेस्टिंग तो ये है कि उनमें से एक फुटप्रिंट्स ऐसे हैं जो हवेली से बाहर जाने के तो हैं लेकिन अंदर आने के नहीं है। किसी और रास्ते से आया होगा। यू आर राइट सर। और एक बात और सर, 6 के 6 फुटप्रिंट्स पर मिट्टी लगी हुई है। इसका मतलब वो 6 लोग 11 बजे के बाद हवेली में आए। 11 बजे के बाद क्यों सर? कल रात को 11 बजे हल्की सी बारिश हुई थी। ओह यस। स्टडी रूम में से और कोई क्लू मिला? नहीं सर, लेकिन पैसेज में कुछ ऐसे निशान पाए गए हैं जैसे किसी को घसीट कर लाया गया हो। सर मुझे लगता है केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। केस जितना कॉम्प्लिकेटेड हो सॉल्व करने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। राइट सर। हवेली सील कर दो सर।
हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। वो हमारा बेटी जैसा था, उसने कभी हमको नौकर नहीं समझा। एक रिक्वेस्ट है सर, इस खूनी को छोड़ना मत। हाँ। उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। कल सारा दिन यहाँ क्या क्या हुआ था मुझे जरा डिटेल में बताएंगे? वेल स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग मैं किचन में कुक कर रहा था, इतने में मिस्टर दीक्षित आ गया। मिस्टर दीक्षित कौन है? मैडम का वकील है, मैडम का सारा लीगल काम वो ही संभालता है। हाँ एक मिनट, रॉकी भी आया था। रॉकी है ना इंस्पेक्टर, बहुत चालू लड़का है। अच्छी लड़की देखी नहीं कि उसको लेकर लॉन्ग ड्राइव पे निकल जा रहा है। ये वकील या रॉकी के आने से आपकी मैडम कुछ डिस्टर्ब तो नहीं थी? नहीं नहीं, हमारा मैडम तो बहुत खुश था, हमारा खोया हुआ विकी बाबा वापस आने वाला था। कौन लेकर आ रहा था उसे? पता नहीं, कल सुबह एक लड़के का मुंबई से फोन आया था कि उसके पास विकी बाबा है और वो दोनों 25 लाख लेने के वास्ते इधर आने वाला है। आपको कैसे पता चला कि वो दो हैं? क्योंकि उसके बाद दूसरा फोन आया, वो एक लड़की का था, उसने बताया कि वो लोग एरोप्लेन से नहीं बस से आने वाले हैं और रात को 1 बजे हवेली पहुंच जाएंगे। और वो लोग 1 बजे पहुंचे? क्या पता, हम लोग तो यहाँ थे ही नहीं। इंस्पेक्टर क्या है कि शाम को 4 बजे किसी ने हमको फोन करके बताया कि गाँव में इसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया। तो हमारी माँ को देखने के वास्ते हम 7 बजे का ट्रेन से चला गया और वहाँ जाकर देखा तो इसकी माँ को कुछ नहीं हुआ था। लगता है किसी ने हमारे साथ फोन पे मजाक किया था। सर मेरे मुताबिक फोन उस लड़के और लड़की ने किया है। पहले उन्होंने रात में घर आने का टाइम फिक्स किया, फिर इन दोनों को फोन करके बाहर भेज दिया। रात को यहाँ आए, मैडम का खून किया, तिजोरी तोड़ी, सामान निकाला और गायब हो गए। सिंपल नहीं रवि, इन्वेस्टिगेशन का पहला उसूल है शक हर किसी पर करो, लेकिन जब तक पक्का सबूत ना मिल जाए किसी को मुजरिम ना ठहरा। और दूसरा उसूल है कि मुजरिम मिल जाए तो इतने सबूत इकट्ठे करो कि वो बच ना पाए, समझे? राइट सर। अब सबसे पहले लाश का पता लगाओ। जी सर। मगर तुम कहाँ ले जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बोली 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 बुला रही हो? मैं उठा लूंगा ना, शक हो जाएगा तो। बोलिए। हाँ, ये बैग है ना एसी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रख देना। कौन सी ट्रेन में जाना है, बेंगलोर वाली मुंबई वाली? बहुत भारी है, 50 रुपया लूंगा। ठीक है ठीक है, 50 रुपया। 500 रख लो ना, 500 रुपए। क्या कर रही हो? संभाल के उठाना, बहुत कीमती सामान है, बाहर निकल गया तो टूट गया तो संभाल के। नहीं नहीं, ये मेरा हस्बैंड लेंगे, आप जाओ ना बैंगलोर, बैंगलोर जाओ ले लो। कुली बेंगलुरु वाली ट्रेन में बैग रख देगा और हम इस ट्रेन से सीधा मुंबई पहुंच जाएंगे। मुबारक हो, गाड़ी निकल पड़ी। मैं आज के बाद कसम खाता हूँ कभी जिंदगी में जुआ नहीं खेलूंगा उस पाखंडी बाबा की गोटियों की तो। अरे अरे अपने वाला कुली कुली। अरे साहब, अरे बाप रे, ये तो बेंगलुरु वाले प्लेटफॉर्म पे तो यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या पता, आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। साहब आप गलत ट्रेन में बैठ गए हैं, नीचे उतरो। जल्दी ट्रेन में उतर नहीं पाएंगे भाई। लेकिन साहब आप अपना कीमती सामान कैसे भूल गए? हमको लगा आपने चोरी किया है। अरे क्या मैम साहब कैसी बात कर रही हैं, मेरी लाइफ में पहली बार किसी ने 500 रुपया दिया, मैं बेईमानी कैसे कर सकता हूँ? अरे कोई चेक कीजो, अरे कोई स्पीड बढ़ाओ, अरे सुखो खींचो, अरे ये आपका सामान। अरे भैया, अरे गिफ्ट समझ रहे हो भैया, मैं हराम का नहीं खाता। अरे शक्ल से पूरा हराम ही लगता, हराम का नहीं खाता। लाने वाला है। तेरे को इतने टेंशन में भी रोमांस की पड़ी है क्या? अरे मैं रोमांस की नहीं, टनल के अंधेरे में हम इस बैग से छुटकारा पा सकते हैं। यस, टनल आते ही हम दोनों चलती ट्रेन से कूद जाएंगे, हम इस बैग को बाहर फेंकेंगे। ये भी हो सकता है। हे भगवान, के ये वापस कैसे आ गया?
तुमने डेड बॉडी वाला बैग नहीं, तुमने इनका बैग फेंका। क्या? बेटे, तुमसे जुदा होने का तो मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी है। मामा, गॉड, मैंने अपना घर छोड़ते वक्त मम्मी डैडी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज इस बात का एहसास हुआ कि अपनों से अलग होने पर क्या बीतती है। प्लीज इसको इसके किसी रिलेटिव के पास पहुंचा देना, मुझे राज की हेल्प करनी है। मम्मा? नहीं बेटे, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूं। पुलिस स्टेशन। ये बच्चा तुम्हारा है? जी। क्या नाम है? जी प्रिया। मैंने तुम्हारा नहीं, इस बच्चे का नाम पूछा है। कोई तो नाम रखा होगा। जी, इसका नाम अर्जुन है, पर प्यार से मैं इसे सोनू बुलाती हूँ। सर, मैं भी अपनी बीवी को प्यार से सोनू कहकर बुलाता हूँ। बुलाओ, अपने बच्चे को बुलाओ। सोनू, सोनू बेटा, सोनू, सोनू, सोनू। नहीं सुनेगा, मेरी बीवी भी मेरा नहीं सुनती। वो क्या है ना, आपने यहाँ बुला लिया, वरना मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाने वाली थी। इसे कभी कभी सुनाई नहीं देता। डोंट वरी, डॉक्टर को बुलाता हूँ, अभी इसका इलाज हो जाएगा। माय गॉड, मेरा विक्की बाबा। ओ माय गॉड, विक्की बाबा। ओह विक्की बाबा, थैंक गॉड, तुम किधर चला गए? चमत्कार, कमाल हो गया इंस्पेक्टर साहब, इसे तो सुनाई भी देने लगा है। चमत्कार नहीं, डबल चमत्कार, इसे सुनाई भी देने लगा और नाम भी सोनू से विक्की हो गया। ये तुम्हारा नहीं, सोनिया चैंग का बच्चा है। मिस्टर लोबो, आप बच्चे को लेकर जरा बाहर बैठिए। चल बाबा चल, ले आओ उसे। किस तरह की पुलिस है? सुपरस्टार बनने से पहले ही मुझे इस फालतू केस में फंसा रहे। ठीक है चलो। सर, मैं ग्लैमर वर्ल्ड में नाम कमाना चाहता हूँ, अंडरवर्ल्ड में नहीं। तुम अब ये कौन है? ये तुम्हारी क्राइम पार्टनर है। क्या बात कर रहे हैं सर, जब मैंने कोई क्राइम किया ही नहीं तो क्राइम पार्टनर कैसा? मैं तो उसे जानता तक नहीं। तो फिर तुम्हारे पर्स में ये तस्वीर कहां से आई? ये तो मुंबई में बहुत बड़ी मॉडल है सर, बहुत बड़ी। हर लड़के की जेब में इसकी तस्वीर होती है। सर हाँ, इस लड़के के साथ इस लड़की के भी फुटप्रिंट मैच हो रहे हैं। सच सच बताओ, उस रात तुम दोनों हवेली क्यों गए थे? वो एक्चुअली सर, वो राज, छुपाने से कोई फायदा नहीं सर, हम उस रात उस बच्चे को लौटाने गए थे। वो लड़का हमें मुंबई में मिला था सर, 25 लाख के इनाम के लिए हम लोग उसे गोवा पहुंचाने आए थे। अब एक बात बताओ, जब तुम लोग गोवा फ्लाइट से आने वाले थे तो फिर बस से क्यों आए? क्योंकि एयरपोर्ट पे होटल अल्फ्रेडो के मालिक ने बच्चे को पहचान लिया था। तुम्हें कैसे पता था कि वो अल्फ्रेडो का मालिक है? उसने अपने होटल की माचिस पे अपना सिग्नेचर करके दिया था सर, और कहा था कि अगर वो उसकी होटल में दिखाएंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। अरे यही तो है, आपको भी दिया था क्या? ये माचिस मर्डर साइट पर मिली थी। हेलो, यस, क्या? ओके, मैडम की बॉडी मिल गई सर। इनके दो साथी डेड बॉडी लेके ट्रेन से मुंबई भाग रहे थे। इनका तो बहुत बड़ा गैंग लगता है सर,
सर हमारा कोई गैंग वैंग नहीं है सर, हमारे कोई साथी भी नहीं है ये। कुछ देर पहले तुम इसे भी नहीं जानते थे। इन दोनों को लॉकअप में डाल दो और उन लोगों को यहाँ लाने का इंतजाम करो। सर मैंने तुम्हें समझाया था ना, मुझे कुछ भी हो जाए तुम चली जाना। अरे पार्टनर, अगर अकाउंट सेटल करना ही था तो मेरे बाहर आने का इंतजार करती, तुम अंदर क्यों चली आई? क्योंकि पार्टनरशिप सिर्फ प्रॉफिट में ही नहीं लॉस में भी होती है। मुझे कैंडल लाइट डिनर कराना चाहते थे ना, लो आज वो मौका आ गया। कैंडल भी है और डिनर भी। हाँ लेकिन यहाँ नहीं सोचा था। जब हम साथ हैं तो जगह की क्या बात, बस आंखें बंद कर लो, जेल भी रोमांटिक लगेगी।
की ट्रेन का उतार दिया। ये कोई तरीका नहीं है, ये कौन सा तरीका है? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो लोग गरीब लोग हैं, वो पहली बार आए लोग, फिर आपने देखा हमारे सूटकेस पे हमारा नाम नाम लिखा है क्या? चलो ये आप क्या कह रहे हैं साहब? क्या मेरा चेहरा देख के आपको लगता है मैं किसी का खून कर सकता हूँ? मैं माना के लगता है मगर मैंने खून नहीं किया साहब। फिर इस बैग में लाश कहाँ से आई? ये बैग भी हमारा नहीं है। तो इसे लेके कहाँ जा रहे थे? इसको ठिकाना लगाने? नहीं, इसके असली मालिक का ठिकाना ढूंढने। समझे नहीं आप? इसका जो असली मालिक है ना, उसका ठिकाना ढूंढने के लिए हम लोग है ना? हाँ, वो ही। आइए। तुम इन दोनों को जानते हो? हम इन्हें नहीं जानते। क्या तुम इन्हें जानते हो? सर, इस बार मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर, आज से पहले मैंने इन लोगों को कभी नहीं देखा। अरे मेरा बैग! ये तुम्हारा बैग है? अरे हाँ सर, यही तो प्रिया का बैग है, इसके लिए तो हम लोग बंगले के अंदर वापस गए थे। और इसके अंदर का सामान? क्या बात कर रहे हैं सर, बैग हमारा है तो सामान भी हमारा ही होगा ना सर। ले लो भाई ले लो, मैं ये बैग लिए तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन इससे पहले कि तुम मिलो ये साहब मिल गए। अच्छा साहब मैं अभी चलूँगा। एक मिनट, जरा इनको चेक कर लेने दो, सारा सामान बराबर है या नहीं। करेक्ट करेक्ट सर, चेक करो, कुछ अगर चोरी वोरी हो गया हो तो। खोलो खोलो। हमारा नहीं है सर, हमारा। पलटी मत मारो, तुमने सबके सामने कहा कि ये बैग तुम्हारी है। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए, मैं बोलता हूँ। अरे ऐसे किसे गिरफ्तार कर लीजिए, ये बैग हमारी हो सकती है लेकिन इसके अंदर की बॉडी हमारी नहीं है। तो क्या डेड बॉडी हमारी है? देखो हमने खून नहीं किया है। तो हमने भी खून नहीं किया है। खून तुमने नहीं किया, खून हमने नहीं किया, खून क्या इंस्पेक्टर ने किया? तुम दोनों बाहर बैठो। जी। मर्डर की रात तुम कहाँ थी? कैसीनो में थी। वहां से कहां गई थी? डायरेक्टली होटल अपने रूम में। मिसेस केके, तुम्हारी फुटप्रिंट्स कह रही है कि तुम हवेली गई थी। हाँ, वो क्या है ना, मेरे पति सारे पैसे जुए में हार गए थे, इसलिए मैडम से मदद मांगने के लिए मैं हवेली गई थी। और उस रात तुम कहां थे? मैं तो कैसीनो में था साहब, और पूरी ईमानदारी के साथ पैसे हार रहा था। अगर आपको यकीन है तो होटल एल्फ्रेडो का मालिक है ना नेटवर्क, उससे पूछ लीजिए, वो सारी रात मेरे साथ था। हाँ, वो आधे घंटे के लिए बाहर गया बस, लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला। वो 25 लाख रुपए लेके आया, उसके आने तक मैं वहाँ बैठे बैठे इंतजार करता रहा। आप पूछ लीजिए किसी से भी। कितने बजे गया था वो? ये 12:30 बजे होगा साहब। सर चौथा फुटप्रिंट। योर ड्रिंक सर। सुनो मिस्टर नटवर लाल कहाँ है? यहीं कहीं होंगे। स्विमिंग अच्छा कर लेते हो? हॉबी है, दिन में 3-4 बार करता हूँ। अफसोस कि जेल में स्विमिंग पूल नहीं है। क्या क्या जेल में? क्या क्या नहीं? अच्छा ये बताओ, हाँ। जिस रात सोनिया चैंग का मर्डर हुआ तुम कहाँ थे? मैं अपने घर पर ही था। शो 100% टू बी प्रिसाइज। इसे जानते हो? इसको मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। लेकिन ये कह रहा था कि उस रात तुम इसके साथ कैसीनो में थे। हाँ, नहीं, नहीं सर, मुझे लगता है इस झूठे को इलेक्ट्रिक शॉक देकर सच उगलवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, नहीं। मेहरबानी करके मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स मत देना, मैं आपको सच बताता हूँ। मैं रात भर इसके साथ कैसीनो में जुआ खेल रहा था। सारी रात? मगर इसका कहना है कि 12:30 और 1 के बीच तुम कहीं बाहर गए थे। उसने कहा है सर? तो मैं गया होऊंगा, गया होऊंगा। कहाँ गए थे? शरीफ आदमी रात को कहाँ जाएगा? बीवी के पास। किसकी बीवी? मेरी। सेक्स बॉम्ब है, सेक्स बॉम्ब। रात को कहीं भी रहो, आधा घंटा तो उसके साथ बिताना ही पड़ता है। उस रात को मैं वहीं उसके साथ ही था, 12:30 से 1 के बीच में उसी के साथ था। थैंक्स, सारी बातें सच कहकर तुमने पुलिस की मदद की है। थैंक यू। तुम्हारी बीवी भी सच बोले तो अच्छा है। कहाँ है वो? मायके गई है। गुड। बहुत लकी हो भाई, मेरी बीवी तो कभी मायके जाती ही नहीं।
नो नट्स नो। उस रात जब तुम मेरे साथ थे ही नहीं तो मैं पुलिस से झूठ कैसे बोल सकती हूँ? देवी देखो, अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो इंस्पेक्टर मुझे सोनिया के मर्डर केस में अंदर कर देगा, मुझे फांसी पे चढ़ा देगा। फिर घूमती रहना जिंदगी भर तुम सफेद साड़ी पहनकर। सॉरी, तुम तो सफेद बिकी नहीं पहनोगी। सॉरी प्लीज देवी, तुम मेरे लिए इतना झूठ नहीं बोल सकती, प्लीज। नॉट पॉसिबल। देखो देवी, उस दिन मैंने तुम्हें कसिनो में डायन कहा, अपने ससुर को गंदी गंदी गालियां दी, प्लीज प्लीज उसका बदला मुझसे मत लो, प्लीज। सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। एक पत्नी व्रता पति के लिए तुम झूठ नहीं बोल सकते? नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं रूम में किसी और के साथ थी। क्या? तुमने उस दिन मेरी बहुत इंसल्ट की, मैं बहुत अपसेट थी। तो तुम अपसेट थी तो किसी और के पास चली गई? अरे मैं तो जब जब जुआ खेला हूं तब तब अपसेट हुआ हूं, मैं तो कभी किसी के पास नहीं गया। कौन था वो? मैं नहीं बता सकती उस हैंडसम का नाम। हैंडसम? पूरे गोवा में एक ही हैंडसम है। रॉकी था ना? मैं हाँ नहीं बोलूंगी। रॉकी था, छोड़ूंगा नहीं साला मेरी बीवी से। रुक जाओ, रॉकी ब्लैक बेल्ट है, बहुत मारेगा। नट्स यहाँ भी नहीं है, पता नहीं मार खाकर कहाँ पड़ा होगा। It was brilliant, Nats. तुम कमाल के मर्द हो यार, मरा आ गया। Anytime, Nats. Anything for you. I must tell you, you are simply great. Thank you so much. ये क्या? तुम भी लकी बिना बन गए? अरे गलत मत समझो, we are just friends. Yeah, he's my friend. Good friends, huh? Nuts, darling. मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगी। अरे तुम्हें क्या लगा मैं केन के साथ लड़ने गया था? अरे मैं तो रॉकी भैया को समझाने गया था, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा समझदार निकले। ये पुलिस को नहीं बताएगा कि रात को 12:30 से 1 के बीच में ये तुम्हारे साथ था? नहीं बताएगा ना? कभी नहीं। इट्स ग्रेट यार। ये नहीं बताएगा तो क्या, होटल का स्टाफ तो बताएगा। भूल गए उस दिन तुमने होटल में वाइन मंगाई थी और वेटर से बॉटल तुमने ही अंदर ली थी? करेक्ट, लेकिन उस वक्त मैंने इनका गाउन पहना था। तुमने मेरा गाउन पहना था? मेरा? I don't like anybody touching my gown, यार। तुम्हारे गाउन की वजह से वेटर समझा था रूम में मैं नहीं हूँ, तुम हो। याद है ना ग्रेसी, मैंने वेटर से वाइन कैसे लिया था? रॉकी अपसेट हसीनाओं को सेट जरूर करता है, लेकिन लोगों की नजरों में उनको बदनाम नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, कितने महान विचार है तुम्हारे। वाह, अरे यार तुम्हारे साथ तो हर किसी की बीवी सेफ है। मेरे 3-4 दोस्त हैं, मैं उनकी बीवियां भी तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ। बीवियों का सेफ डिपॉजिट वॉल्ट छोड़ जाओ और भूल जाओ। हे भगवान। या, अब मेरे पास एक नहीं दो दो गवाह है। एक तो मेरी एंजल वाइफ और दूसरा इस होटल का वेटर। अपना सबूत पक्का करने के लिए मैंने अभी उससे वाइन मंगवाया है, और ये गाउन देखकर वो समझ जाएगा कि उस रात भी मैंने ही वाइन मंगवाया था। ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी। आ गया अपना दूसरा गवाह, आ गया। अरे अरे, मेरा गाउन फट जाएगा, मुसीबत हो जाएगी। छोड़ छोड़। इंस्पेक्टर साहब, आप आइए आइए आइए। वेलकम वेलकम। मेरी वाइफ, मेरी लवली वाइफ है ग्रेसी। हेलो। ये तुम्हारी वाइफ है? क्यों, किसी और के साथ देखा था? नहीं, तुम्हारे साथ देखा तो यकीन नहीं आया, इसलिए पूछ लिया। Nice to meet you. Same here. मैम, जिस रात को सोनिया चैंग का मर्डर हुआ उस रात 12:30 से 1 बजे तक आपके पति इसी सूट में आपके साथ थे? सूट में नहीं, मैं गाउन में था, द सेम गाउन। आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पति आपके साथ थे? हाँ, ये मेरे ही साथ थे। यस, सुन लिया इंस्पेक्टर आपने? एक्सक्यूज मी सर। आ गया मेरा दूसरा गवाह। वेटर, हाँ? 2 दिन पहले तुम इसी कमरे में रात को 12:30 बजे आए थे? हाँ, वाइन देने के लिए आया था। उस वक्त इस गाउन में कौन था? आप थे सर। ओह थैंक यू, ये लो, ये तुम्हारा बख्शीश और ये वाइन तुम पीना। थैंक यू, थैंक यू। जाओ, नाउ नाउ आर यू सेटिस्फाइड? मैं जब तक खूनी को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाता हूं तब तक सेटिस्फाइड नहीं होता। वाह वाह, आप जैसे ईमानदार पुलिस वालों की वजह से ये देश टिका हुआ है। आप हैं तभी तो हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। हमें गर्व है आप पे, बहुत गर्व है आप पे। बेवकूफ, जो कहा वो सब मान लिया उसने। एक और सवाल मिस्टर नटवर। क्या
सामने के गैराज वाले ने कहा कि उसने रात के 1 बजे आपकी पीछे की बालकनी से किसी को उतरते हुए देखा था। बालकनी से उतरा था? बालकनी से उतरा था? मेरी बालकनी से मेरे अलावा और कौन उतरेगा? अच्छा, आइए। क्यों? आइए। आप यहां से कैसे गए थे? यहां से ये पाइप से। एक्चुअली आई लव एक्साइटमेंट, थ्रिल। सीढ़ी और लिफ्ट से तो हर कोई आता जाता रहता है, उसमें मजा क्या, तो मैं पाइप से जाता हूं। इंटरेस्टिंग, मुझे भी आपका थ्रिल देखना है, जरा उतर के दिखाइए। रियली? हाँ हाँ, कम ऑन, मुझे भी देखना है कि कोई फिफ्थ फ्लोर से पाइप से कैसे उतरता है। पाइप से, ओके, पाइप से। रेगुलर है मेरा ये। और जाओ कि आप समझ गए। जाइए जाइए। सर मैं लिफ्ट से आता हूँ सर, मैंने कल ही अपनी वाइफ को नया मंगलसूत्र लेके दिया सर। सॉरी सर। बच गया। कैसा रहा? फसला सर, फसला। पर यहाँ से नीचे उतरने में ज्यादा ही थ्रिल होगा। हाँ, यहाँ से ज्यादा थ्रिल है। वो थ्रिल भी देखे? मैं कभी यहाँ से गया? ये इस पे चलते चलते मैं सामने वाली बिल्डिंग में चला जाता हूँ और वहां से नीचे उतर जाता हूँ। सिंपल। सैंपल? सैंपल दिखाइए ना। वो भी देखना है आपको? आप इधर से? अलमारी के दूसरे ड्रॉर में इंश्योरेंस की पॉलिसीज है। हाँ, देख लेना। मैं इसको रोज याद दिला तो इंश्योरेंस के बारे में कभी भी मैच चढ़ो सकती है। रेड सिग्नल तब निकलना चाहिए था ये। रात तुम यही आए थे? हाँ, यही आया था। पक्का? हाँ, पाइप भी यहीं तक आती, मैं भी यहीं तक ही आऊंगा ना। पता है ये जगह कौन सी है? नहीं। ये सोनिया चैंग का बेडरूम है, यहीं पर उनका मर्डर हुआ था। क्या? मैं सच कहता हूं, मैंने आपसे झूठ कहा था। उस रात को मैं पाइप से नहीं उतरा था। उस रात को मैं मेरी बीवी के साथ भी नहीं था। अरे उस रात को तो क्या, मैं तो हनीमून की रात को भी अपनी बीवी के साथ नहीं था। हर मर्द की यही कहानी है। लेकिन मैं मर्द। सर, इनके भी फुटप्रिंट मैच हो रहे हैं। अब क्या कहना है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कहता हूँ। और उस रात को तो मैं कसीनो में था। ये रहा,
ये रहा, उस रात ये भी कैसीनो में था और ये अपना सारा पैसा हार गया था और पैसों के लिए किसी का भी खून कर सकता था। ये क्या बात करता है? एक मिनट, मेरा हस्बैंड गैम्बलर है, झूठा है, निकम्मा है, चोर है, फ्रॉड है, कुछ भी कर सकता है ये, लेकिन ये किसी का खून नहीं कर सकता। मैं अपने हस्बैंड को अच्छी तरह से जानती हूँ, समझे? नट्स, आ गई मेरी एंजल वाइफ। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे पूछ लीजिए, डार्लिंग सच सच बताना, उस रात मैं कहाँ था? मेरे साथ अपने रूम में। नहीं नहीं डार्लिंग, इनको सच बताओ। देखो सच कितना भी शर्मनाक हो, बेशर्म होके बता दो, सच बताओ मैं कहाँ था? अपने बिस्तर पर, मेरी बाहों में। अरे देवी, वो हैंडसम कौन था जो उस रात तुम्हारे साथ बेडरूम में था? इनको सच बताओ। सच बताओ? हाँ, वो गांधी जी वाला सच बताओ इनको। मिस्टर नटवरलाल। नटवरलाल का तो सिर्फ गाउन था, कैरेक्टरलेस। इंस्पेक्टर साहब, ये औरत झूठी, मक्कार और कैरेक्टरलेस है। वो प्लेबॉय रॉकी था उस रात मेरे कमरे में इसके साथ, और वही बालकनी से उतर के गया होगा हवेली में, फ्रॉड साला। ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। रॉकी एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वेरी हेल्पफुल। मेरी वाइफ मुझे हमेशा बताती है कि औरतों की मदद करने के लिए वो आधी रात को भी तैयार रहता है सर। शट अप, बुलाओ उसको। मेरी वाइफ को सर? रॉकी को सर। ओ, तो तुम हो प्लेबॉय रॉकी? यस, 9820420420। सोनिया चैंग के मर्डर की रात तुम 12:30 बजे के करीब कहाँ थे? उस रात मैं एक सेक्सी सुंदर लड़की के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गया था। अरे तू बोल जा जो मैंने कहा था, तू इनको बता दे कि तू उस रात मेरी बीवी के साथ बेडरूम में था, बता दे इनको। कैसी बात कर रहे हैं आप? सॉरी, मैं आपकी बीवी को बदनाम नहीं कर सकता। अरे मेरी बीवी की चिंता तू क्यों कर रहा है यार? बता दे, मुझे मुझे ये बदनामी चाहिए, मुझे कलंकी नहीं चाहिए, कर बदनाम, कर ना यार। सॉरी, मैंने आपको जबान दी है। I can't do that. I'm a man of principles. अरे प्रिंसिपल तोड़ दे बदले हो मेरी हड्डी। ये सर, ये सर। क्या हुआ? ये सर, सोनिया मैडम का खूनी यही है। उस रात बंगले के अंदर मैंने यही दो पैर और यही दो आंखें देखी थी सर। बोल तू, ये जो कह रहा है वो सच है? हाँ बोल। रॉकी, लड़कियों के साथ खेलना अलग बात है, कानून के साथ खेलोगे तो ऐसी लॉन्ग ड्राइव पर भेजूंगा कि कभी लौट कर नहीं आओगे। सच सच बताओ, उस रात हवेली क्यों गए थे? ऑफिसर, सच बात यह है कि उस रात मैं ही मिस्टर नटवर के बेडरूम में था उनकी वाइफ के साथ। या सी, वो अपसेट थी और रॉकी किसी ब्यूटीफुल लेडी को अपसेट नहीं दिख सकता। हाँ तो क्रिसी, कहाँ से शुरू करें? आई एम सॉरी रॉकी, मैं बहुत अपसेट थी, किसी की कंपनी की जरूरत थी। नाउ आई एम ओके। मुझे लगा कि मिस्टर नटवर आ गए हैं, इसलिए दरवाजे की बजाय मैं बालकनी से निकला और पाइप से होकर सोनिया मैडम के बेडरूम में जा पहुंचा। जैसे ही बेडरूम से निकलने वाला था मैडम, कि नीचे से राज और प्रिया की आवाज सुनाई दी। मैडम, मैं आपका बच्चा लेकर आ गया। सॉरी मैडम, हम आपका बच्चा लेकर आ गए। मैंने छिप कर देखा, ये दोनों बच्चा लेकर आ गए थे। लगता है मैडम इंतजार करते करते सो गए। कमाल है, हम लोग 25 लाख का बैरर चेक लेकर आए और बैंक सो रहा है। चलो ऊपर। ये दोनों ऊपर आकर मैडम को ढूंढने लगे, इसलिए मैं छिप गया। इनके जाने के बाद मैं नीचे उतरा, लेकिन तभी राज बच्चा लेने वापस लौटा और मुझे पार्टीशन के पीछे छिप जाना पड़ा। उसी वक्त राज ने मेरे दो पैर और मेरी दो आंखें देखी। That's it. जब तुम बेडरूम में गए थे तो वहां क्या देखा? वहां सब बिखरा हुआ था। तुम्हारी भी कहानी अच्छी है। कमाल की बात है सर,
मर्डर एक हुआ लेकिन कहानी सबकी अलग अलग है। लेकिन अब मेरे और कातिल के बीच ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि कातिल ने एक बहुत बड़ी गलती की है। उसने हवेली में एक ऐसा सबूत छोड़ा है जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स हैं। आज रात को मैं वो सबूत हासिल करूंगा और कल सुबह यहीं सबके सामने उस कातिल को बेनकाब करूंगा। अब आप सब जा सकते हैं। थैंक यू सर। एक मिनट, यहां से चाइना टाउन छोड़कर नहीं, हर एग्जिट पर पुलिस का पहरा है। रिलैक्स यार, आज चाइना टाउन की सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन है, वहां जाइए, नाचिए, गाइए, एंजॉय कीजिए। टेंशन लेने की जरूरत सिर्फ कातिल को है, सिर्फ कातिल को, बाकी सब नाचेंगे गाएंगे। नहीं जाना है तो एक दो सेल खुलवा दूं। अरे नहीं, 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 हम लोग जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे चलो ना सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। हमने हवेली के हर कोने को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट किया सर, अब वहाँ ऐसा कौन सा सबूत है जिसे आप लेने जा रहे हैं? दरअसल हवेली में कोई सबूत है ही नहीं। अच्छा, मैंने इन्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि गुनहगार को सबूत छूट जाने का डर हमेशा रहता है और उसे मिटाने की कोशिश करता है। इनमें से जो भी कातिल होगा वो आज रात को सबूत को मिटाने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा और वही कदम उसे एक्सपोज करेगा। रेलवे स्टेशन कनेक्ट करके दो। सर, यू आर जीनियस सर। सॉरी सर। क्यों गए? हम बदल गए। फिर बता जाओ। शिकारी ये दिल है, मौसम कातिल है, मुझसे तेरा बचना मेरी जा मुश्किल है। Just beat it, beat it, just beat it। सांसों में तूफान, बेचैन है अरमा, बस पल दो पल का ये वक्त है मेहमा। Just beat it, beat it, just beat it। तेरे चेहरे से मेरी नजर, मेरी नजर, मेरी जान ही हटती है। Just beat it, beat it, just beat it। Just beat it, beat it, just beat it। मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है, मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है। Oh,
नटवर जी बाथरूम का इंतजाम कर रहा हूँ। उधर उधर भर गया जरा भर सब कुछ कहती है खामोशी तेरी, बेचैन पड़ी है धड़कन ये मेरी। Just be real, be real, just be real। तेरी ये अदाएं कुछ बोल रही है, ये राज हजारों अब खोल रही है। Just be real, be real, just be real। ये रात बड़ी बेईमान है यार, बेईमान है, काटे नहीं कटती है। Just be real, be real, just be real, just be real, be real, just be real। मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है, मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है, मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है, ओ मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है। यस मैडम, इंस्पेक्टर सबूत लेने हवेली जाने वाला है। डोंट वरी, मैं भी उसके पीछे हवेली जाऊंगा। इससे पहले कि उसे सबूत मिले, मैं उसे वहीं खत्म कर दूंगा। कौन है? ए, अंदर कौन है? कौन है?
लगता है आप लोग सारी रात सोए नहीं। कैसे सोएंगे सर, जरा नींद लगती है तो सपने में फांसी का फंदा नजर आने लगता है साहब। सब ये फांसी का सिस्टम है भी। मेरी भी यही प्रॉब्लम है, जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता नींद नहीं आती। वैसे खूनी को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं था अगर आप सब सच बोलते तो, मगर किसी ने सच नहीं कहा क्योंकि सभी के दिल में चोर था। खून शनिवार की रात 11:30 के बीच हुआ और यहां खड़े सभी लोग इस खून से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। इसका मतलब खून आप में से किसी एक ने किया है और खून करके लाश को बैग में डालकर रास्ते पे छोड़ दिया। और वो बैग में ज्ञानेंद्र बाबा का प्रसाद समझकर अपने साथ ले गए थे क्योंकि आपको पैसे कमाने की लालच थी और आपकी बीवी को पैसे कमाने का डर। Am I right, Mrs. KK? जी हाँ, उस रात में 50 लाख रुपए जीती थी, लेकिन मेरे पति ये पैसे भी जुए में ना हार जाए इसलिए मैंने सारी बातें छुपा के रखी थी। देखा वकील साहब, पैसा कैसे कैसे खेल खिलाता है। इन पैसों ने ही सोनिया मैडम की जान ली। मिस्टर नटपर, खून की रात 12:30 बजे आप सोनिया मैडम से 25 लाख लेकर आए थे। हाँ, लेकिन मैंने वो पैसों के लिए अपना 5वां होटल भी गिरवी रखा था साहब। सर, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं सच कहता हूँ, मेरी जिंदा ससुर की कसम, सच। फिर ये बात बताने पुलिस के पास क्यों नहीं आया? क्योंकि जब टीवी पे खबर आई कि सोनिया मैडम का खून हो गया और तिजोरी भी लूट ली गई है तो मुझे लगा कि मैंने जो होटल गिरवी रखे थे उसके कागजात भी चोरी हो गए होंगे, तो मैं चुप रहा। चलो यकीन किया, मतलब जब तुम हवेली से निकले तब मैडम जिंदा थी। हाँ। और तुम्हारे बाद जो हवेली में पहुंचा उसने खून किया। मिसेज नटवर, मर्डर की रात आप भी हवेली गई थी ना? जी। आगे की बात आप खुद कहेंगे या मैं कहूँ? उस रात मैं हवेली गई थी, सोनिया मैडम के कसीनो की वजह से मेरे पति अपने 5वां होटल गिरवी रख चुके थे। मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन जब मैं हवेली गई वहां पर कोई नहीं था। मिसेस सोनिया, मैं मैडम से मिलने स्टडी रूम में पहुंची, वहां भी कोई नहीं था। मैंने देखा कि सेफ टूटी हुई थी, फर्श पर सारा सामान बिखरा हुआ था, उसमें मेरे होटल के मॉर्गेज के पेपर्स भी थे। मैंने सोचा यही मौका है अपने होटल्स को बचाने का। मैं वो पेपर्स लेकर वहां से फौरन निकल गई। और कल जब मैंने कहा कि कातिल से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट सबूत अब भी हवेली में है तो तुम घबरा गई और इसे लेने हवेली गई। कल रात हवेली में एक और शख्स आया था जो सिर्फ सबूत ही नहीं मुझे भी मिटाना चाहता था, और वो था ये। खूनी है। तो ये खूनी है और हम खाम खा अंतिम इच्छा के बारे में सोच रहे थे। नहीं, असली कातिल तो ये भी नहीं है। नहीं, ये तो सिर्फ एक हेंचमैन है, किराए का गुंडा। वकील साहब, जिस दिन मर्डर हुआ था आप भी हवेली गए थे ना? हाँ, लेकिन मैं तो सुबह गया था, सोनिया मैडम अपनी वसीयत बदलवाना चाहती थी। करेक्ट। जहाँ दौलत होती है वहाँ वसीयत होती है, और जहाँ वसीयत होती है वहाँ बनाने वाले की मौत होती है। सोनिया चैंग की बेशुमार दौलत हासिल करने के लिए मुजरिम ने सबसे पहले उनके इकलौते बेटे को इस शराबी के हाथों किडनैप करवा के मुंबई भेज दिया। कई दिनों तक जब रैंसम का फोन नहीं आया तब सबको लगा कि बच्चा किडनैप नहीं हुआ है, खो गया है। टेंशन में आके सोनिया चैंग को नींद की गोलियां खाने की आदत थी। कातिल भी यही चाहता था कि एक दिन खबर आए कि बच्चे के गम में बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेने से सोनिया चैंग की मौत हो गई। मर्डर को नेचुरल डेथ प्रूव करने का प्लान सक्सेसफुल हो उससे पहले बच्चा इस शराबी के हाथों से निकल गया और इन दोनों को मिल गया, और 25 लाख के इनाम के चक्कर में इन्होंने सोनिया मैडम को फोन किया। हाँ, अपना पता बताइए, मैं वहीं आती हूँ। उस फोन से कातिल को अपना प्लान फेल होता नजर आया और उसने दूसरा प्लान बनाया। बच्चे के वापस आने की खबर से सोनिया चैंग बहुत खुश थी। आज उसे नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं थी, वो अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मर्डर के बाद कातिल ने स्टडी रूम में सेफ तोड़कर
सारे पैसे और ज्वेलरी निकालकर ऐसा माहौल खड़ा किया कि मर्डर का मोटिव रॉबरी लग गया और उसी वक्त वहां ग्रेसी आ गई। मिसेस सोनिया, ग्रेसी के जाने के बाद कातिल अपने प्लान के मुताबिक सोनिया चैंग की लाश को बेडरूम से घसीटकर स्टडी रूम में ले आए ताकि जब राज और प्रिया हवेली में आए तो खून का इल्जाम उन पर लग जाए और ये मास्टर प्लान बनाने वाला वो है। सोनिया चैंग की वसीयत के मुताबिक उनकी मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी और बच्चे की कस्टडी उनको मिलती है जो बच्चे से सबसे ज्यादा नजदीक हो, जो ये लोग थे। और एक दिन सोनिया चैंग को इनकी बुरी नीयत के बारे में पता चला, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत को चेंज करने का डिसाइड किया और इन दोनों ने उनको मारने का प्लान बनाया। लेकिन सर, जब खून हुआ उस रात तो ये लोग चाइना टाउन में थे ही नहीं। वो तो इनकी चाल थी। मैंने रेलवे से इंक्वायरी की तब पता चला कि 7 बजे की जिस ट्रेन से इन लोगों ने गांव जाने का बहाना किया था वो ट्रेन कैंसिल हो गई थी। पर इन पर पहली बार मुझे शक तब हुआ जब रॉकी ने मुझे कहा कि वो हवेली में आया तब बेडरूम बिखरा पड़ा था, पर जब हम हवेली गए थे तो बेडरूम एकदम परफेक्ट था, हर चीज़ अपनी जगह पे थी। कौन सी चीज़ कहाँ होती है मालिक के अलावा सिर्फ नौकर ही जानता है। ले जाओ इन्हें। चलिए। देखा, मैंने बोला था तकिए से मत। अरे तुमने तो बोला था मार डालो मार डालो, मार दिया, अभी हम मर गए। Excuse me. Yes. तुम्हारे डैडी ड्रग डीलर है ना? नहीं तो क्यों? वरना ऐसी नशीली चीज और कौन बना सकता है? तुम्हें देखते ही नशा चढ़ गया। कहो तो नशा उतार दूं? Of course. जान। Yes, sweetheart. इनके सर पे थोड़ा नशा सवार है, क्या तुम उतार सकते हो? Really? चलें, लॉन्ग ड्राइव पर। वकील साहब सुनिए, देखिए अब तो आपने बच्चे की कस्टडी हमें दे दी है तो हमें हमारा पैसा भी दे दीजिए, नहीं तो वो डायरेक्टर मेरे बिना ही फिल्म बना देगा। अरे टेंशन मत ले, अरे ज्ञानवर बाबा के पास फिल्म बनाने का भी फार्मूला है। क्या ये क्या हुआ? अरे क्या? कसीनो का दरवाजा बंद कराओ। क्यों? नहीं तो मैं युधिष्ठिर बन जाऊंगा। युधिष्ठिर क्यों बाबा? पैसे खत्म हो गए, बीवी दाव पे लगानी पड़ेगी।
चले जाए।